एक सवाल जो मेरे चैनल पे अक्सर किया जाता है वो ये है कि डाइटिंग करने के बावजूद इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक्सरसाइज, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, वजन कम नहीं हो रहा, या अगर वजन कम हो भी गया है तो जो स्टबन फैट है यानी कि पेट के जो फैट है, थाइस पे जो फैट है वो मेल्ट नहीं हो रही, वो नहीं जा रही। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी पावरफुल बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टिप्स आपको दूंगा जिनको अडैप्ट करने से, जिस लाइफस्टाइल को अडैप्ट करने से आपका वजन तेजी से नीचे होगा। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बोनस पावरफुल साइकोलॉजिकल टिप दूंगा जिससे ना सिर्फ आपका वजन कम होगा बल्कि आप अपने आप को तंदुरुस्त और खुश महसूस करने लगेंगे। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहली अहम टिप ये है कि अपने मील टाइम्स को डेडिकेट कीजिए। चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो यानी कि दिन में दो दफा खा रहे हो, या ओमैट चल रहा हो आपका यानी कि सिर्फ वन मील अ डे। अब इन दोनों मौजूदात पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। लेकिन जितनी दफा भी आप खाना खा रहे हो आपने अपने मील टाइम को डेडिकेट करना है। यानी कि लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि मैंने सुबह का नाश्ता स्किप किया और मैं दोपहर को 1 बजे खाना खाऊंगा। उस 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक या 20-25 मिनट जितना भी आप खाना खाने में स्पेंड करते हैं वो सिर्फ आपने अपने मील के लिए डेडिकेट करना है। जदीद साइंसी रिसर्च ने यह दिखाया कि अगर आप अपने मील पे कंसंट्रेट करते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, टेलीविजन नहीं चल रहा, आप अखबार नहीं पढ़ रहे, मोबाइल फोन नहीं निकाला हुआ, आप जो है वीडियोस पे वीडियो नहीं देखे जा रहे, तो आपकी जो च्यूइंग जो आपकी कैपेसिटी है, जिस तरह से आप खाने को चबा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है। जब आपका दिमाग दूसरी चीज़ों की तरफ चल रहा होता है, आप खाने पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते, तो आप सबकॉन्शियसली तेजी से अपने खाने को च्यू करते हैं। अपने मील टाइम को फिक्स कीजिए 20-25 मिनट, उसमें खाने को आराम आराम से चबा के खाइए। रिसर्च ने यह दिखाया है कि जब आप खाने को च्यू करते हैं, प्रॉपरली इसको चबाते हैं, तो जो हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं वो आपको अर्ली सेटाइटी का एहसास दिलाते हैं। यानी कि आपको ये महसूस होता है कि मेरा पेट अब भर रहा है, आहिस्ता आपको सेटाइटी की फीलिंग होती है। इसके अलावा आप एक माइंडफुलनेस का एटीट्यूड रखिए खाने की तरफ। जब आप खाने को चबा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप खाने की स्मेल को, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को एंजॉय करें। जब आपकी कंसंट्रेशन दूसरी चीज़ों की तरफ होती है तो खाने पे आपका ध्यान नहीं होता, खाने की न्यूट्रिशन से आपको फायदा नहीं होता क्योंकि आपका दिमाग दूसरी चीज़ों में मसरूफ है। अपने मील टाइम को डेडिकेट कीजिए, 20 मिनट सिर्फ आपने या 25 मिनट सिर्फ आपने उस खाने को देने और इसको एंजॉय करना है, स्लोली च्यू करना है। साइंस के पेपर्स में यह तक दिखाया गया है कि वेट में 10% रिडक्शन हो सकती है सिर्फ इस मॉडिफिकेशन के जरिए कि खाना आप जब खा रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी तवज्जो सिर्फ खाने के ऊपर। टिप नंबर 2, खाने के फौरन बाद अपने आपको ये आदत डालिए कि मैंने हल्की सी वॉक करनी, 15 मिनट या 20 मिनट। दिन में अगर आप 2 दफा खाना खा रहे हैं तो खाने के बाद एक हल्की सी वॉक पर चले जाएंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने की या जॉगिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट की एक वॉक खाने के बाद जब आप करेंगे तो आपका डाइजेशन तेजी से होगा, कैलोरीज आपकी लो होगी, शुगर स्पाइक जो आपके ब्लड में है वो कम हो जाएगी और आपका जो वेट उस खाने से बढ़ना है उसमें कमी हो जाएगी। अगर आप दिन में 2 15 मिनट की वॉक्स कर रहे हैं तो आपकी हाफ एन आवर की एक्सरसाइज तो इसी में हो जाएगी। ये भी साइंस के जरिए प्रूव किया गया है कि जब आपकी ब्लड शुगर स्पाइक जो है वो लो होगी तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा और जो सेल्स के अंदर फैट प्रोडक्शन होती है वो जो है रिड्यूस हो जाए। ये हमारी इंसुलिन स्पाइक्स होती है कि जो हम खाने के बाद बैठे रहते हैं, हमारे में ब्लड शुगर बढ़ती जाती है तो इंसुलिन फिर उस शुगर को सेल्स में नहीं डाल सकती और वो शुगर फैट में तब्दील हो जाती है। इंसुलिन स्पाइक को रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन वॉकिंग बेहतरीन तरीका है, और अगर आप खाने के फौरन बाद वॉक पे निकल जाते हैं तो इससे आपको बेइंतहा फायदा होगा वेट रिडक्शन। अगली अहम टिप है स्लीप। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि स्लीप का वेट रिडक्शन से क्या ताल्लुक है, लेकिन ये बहुत अहम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है। साइंस की रिसर्च में ये दिखाया गया कि जो लोग 7 घंटे से ऊपर सोते हैं उनके अंदर वेट रिडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है उन लोगों से जो 7 घंटे से कम की नींद लेते हैं। अगर आप हर रोज सेटिस्फैक्टरी सो रहे हैं तो आपके अंदर वेट पुट ऑन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो या डिस्टर्ब होती है तो आप ऑटोमेटिकली रीच करते हैं मीठी चीजों की। एक साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी होती है क्योंकि आपकी बॉडी सफर कर रही होती है स्लीप डिप्रेवेशन की वजह से, और हार्मोन जो है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हाई होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको कंपनसेट करने के लिए आप खाने की तरफ रीच करते हैं। आप साइकोलॉजिकली फुलफिल्ड महसूस करेंगे अगर आपकी नींद पूरी हो रही है।
तो कोशिश कीजिए कि जल्दी सोने की आदत डालिए और सुबह जल्दी उठिए, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका वेट कैसे रिड्यूस हो। अगली बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो आपने करनी है वो खाने के दौरान आपने पानी नहीं पीना। जैसे कि मैंने पहले कहा, जब आप खा रहे हो तो उसको आराम आराम से च्यू करके टेक योर टाइम, आराम आराम से खाना खाएं और उसके दरमियान पानी गल्प ना करें। मॉडर्न लाइफ में ये बड़ी आदत हमें हो गई है, क्योंकि जब हम ऑलवेज ऑन द गो होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, चलते फिरते चीज़ें खा रहे होते हैं, तो हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको गल्प करने के लिए। मेन मील भी जब हम खा रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसको चबाएं ना और बड़े बड़े लुक में बना के तेज़ी से खाना खाएं और पानी के जरिए अपने जो है फूड को वॉश डाउन करें, उसको गल्प करें। इससे आपका फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, आप न्यूट्रिएंट से फ़ायदा नहीं उठा सकते और आपकी तवज्जो खाने पे नहीं जाती और आपके खाने से शुगर स्पाइक हाई होती है और आपको जो है यू पुट वेट ऑन। तो पानी को जो है खाने के दौरान मत पीजिए, बल्कि पानी खाने के एंड पे या खाने के बाद, जैसा कि मैंने कहा वॉक पे चले गए 15 मिनट की, उसके बाद आके फिर पानी को पीजिए। ये बेस्ट नुस्खा है वेट रिडक्शन की। अगली अहम टिप है फूड ऑर्डर, यानी कि आप किस तरतीब से फूड खा रहे हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ, फूड प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। ये ज़रूरी है कि आपका फूड ऑर्डर में प्रोटीन आप पहले खाएं, उसके बाद आप फाइबर खाएं और फिर कार्बोहाइड्रेट खाएं। इससे क्या मुराद है कि जैसे गोश्त, अंडा, मछली, ये सब प्रोटीन है। प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन लो होती है, इससे ब्लड स्पाइक लो होती है। इसी तरह जो फाइबर है, जिन चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होता है, जैसे सलाद के पत्ते हो गए, सब्जियां वगैरह हो गई, इनकी भी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है और शुगर स्पाइक स्लो होती है। तो सलाद और गोश्त अगर आपकी डाइट में है, अंडे मछली वगैरह, इनको पहले खाएं ताकि ब्लड शुगर आपकी जो है वो स्लो स्पाइक करें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाना भी चाहते हैं, जैसे रोटी, चावल, पीटा, पास्ता, ये चीज़ें हो गई, तो इनको अपने मील के एंड पे खाइए। अव्वल तो मैं कार्बोहाइड्रेट, आपको पता ही है मैं कार्बोहाइड्रेट के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में हैं तो उनको एंड पे खाइए, ताकि उससे शुगर स्पाइक आपकी इतनी ना हो जितनी अगर आपने पहले खा लिया उसको, रोटी पहले खा ली, चावल पहले खा लिए, तो उससे शुगर तेज़ी से आपकी अप एंड डाउन हो। तो फूड के ऑर्डर को चेंज कीजिए, सलाद पहले खाइए, प्रोटीन खाइए, इससे आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा और आपकी एपिटाइट भी लो रहेगी। फूड एक एडिक्शन है, जिस तरह नशा होता है हेरोइन का या दूसरी दवाइयों का, इस तरह फूड एक एडिक्शन है। फूड को एडिक्शन के तौर पे इस्तेमाल न कीजिए। फूड के बारे में ये सोचिए कि ये जिंदा रहने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है। जब आप फूड की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे, जब आप उसको देखेंगे न्यूट्रिशन के लिए, मज़े के लिए नहीं, न्यूट्रिशन के लिए जब आप देखेंगे, तो आप वही फूड आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी और वही फूड आप खाएंगे जिससे आपकी बॉडी सेहतमंद रहे। जब आप एक दफ़ा ये एटीट्यूड चेंज कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली महसूस होगा कि ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें खुद ब खुद आपको अच्छी नहीं लगने लगेंगी। जब आप अपने आप को ये समझा लेंगे कि ये चीज़ें मेरे लिए जहर कातिल हैं, तो आप क्यों उनको इस्तेमाल करेंगे, क्यों अपने बच्चों को देंगे। अब आइए उस बोनस टिप की तरफ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। वो बोनस टिप है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप खाना खा रहे हो तो शुक्र अदा कीजिए। जिस भी डायटी को आप मानते हैं, अल्लाह, भगवान, जीसस, जो भी आपका मजहब है, शुक्र अदा कीजिए उस बनाने वाले का जिसने आपको ये फूड प्रोवाइड किया। दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं जो भूख से, फाकों से मर रहे हैं। अगर खाना आपके सामने है तो उसकी बेकदरी मत कीजिए मोबाइल फोन पे जाकर। खाने को अप्रिशिएट कीजिए, अपने अंदर एक खुशी महसूस कीजिए कि आप इस काबिल हैं कि ये खाना आपके सामने पड़ा हो। जब आप अपने अंदर ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा करेंगे तो आप खाने को एंजॉय करेंगे, उसमें अपना टाइम लेंगे, च्यू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका वेट कैसे रिड्यूस होगा। अगर आज के वीडियो के बारे में आपके कोई सवालात हैं, कोई कॉमेंट्स हैं, आपका अपना ये तजर्बा है, तो उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।